हे गाइस, वेलकम बैक हो गया चैनल पर। अच्छा जी, बात करेंगे हम सबा के लेटेस्ट व्लॉग के बारे में। अभी मैंने व्लॉग देखा है, रात को ही मैंने व्लॉग देख लिया, लेकिन आपको ये पॉडकास्ट कल देखने को मिलेगी। मतलब कि आज आप ये पॉडकास्ट देख रहे हो, लेकिन मैं रात में बना चुकी हूँ ये पॉडकास्ट। ठीक है, तो मैंने व्लॉग देखा। व्लॉग में वैसे तो कुछ है नहीं, ठीक है, व्लॉग में इन द सेंस कि वही घूमना फिरना है। अब तो कमेंट्स में सब्सक्राइबर्स भी लिख रहे हैं कि हम बोर हो गए हैं, आपके व्लॉग्स में कुछ भी नहीं है। मतलब भाई, इतना खाना 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 है, और एक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक को छेड़ा गया, जहाँ पर यह था कि सोसाइटी में कुछ न्यूज़ सुनने को मिल गई थी। काफ़ी लोग बोल रहे हैं क्या न्यूज़ है। देखो, एक ही न्यूज़ होती है, वो होती है डेथ। और उसने अपने इस वीडियो में कहा भी, अच्छा जी, इसको तो हम कभी थोड़ा सा साइड में करते हैं, इसको हम बाद में देखेंगे। लेकिन अब मैं जो मेन टॉपिक पर बात करने वाली हूँ ना, वो है रज़ा का टॉपिक। और बहुत सारे सब्सक्राइबर्स भी मुझे काफ़ी दिन से कह रहे हैं कि आप रज़ा पर बात करें, और आज जो व्लॉग में हुआ है तो मुझे लगता है कि यार ये सही पॉइंट है। इस पॉइंट के साथ मैं एक अच्छे तरीके से आपको समझा सकती हूँ कि ये कर क्या रही है और ये क्यों कर रही है इस तरीके से। अब सीन ज़रा यहाँ पर ये है कि रज़ा जो है वो कुछ दिन पहले अपनी एक अलमारी शो करती है, जहाँ पर बहुत सारे कमेंट्स लिखे हुए होते हैं कि रज़ा से सीखो कैसे ऑर्गेनाइज़ करके रखते हैं, क्योंकि हम सबको पता है इसकी ज़िंदगी में से अलमारी ऑर्गेनाइज नहीं रहती है। देखो यहाँ पर ना, इसको भी मैं इतना ज़्यादा गलत इसलिए नहीं बोलूँगी क्योंकि इनका काम जो है ना, वो PR वाला सीन है ना, तो उनको कपड़े वगैरह आते रहते हैं। वो क्या, वो बनाती है अंदर डाल देती है, बनाती है अंदर डालती है, ऑर्गेनाइज़ करने का उसको टाइम नहीं। उसके पास ढेर एक कपड़े हैं, उसकी ज़िंदगी में कोई काम, दूसरा बहुत सारे काम है, कोई काम नहीं बोलो, उसकी ज़िंदगी में और बहुत सारे काम है जिस पर वो अपनी अलमारी पे ध्यान नहीं दे सकती। और वो अलमारी एट द एंड क्या होती है, वो बहुत ख़राब हो जाती है। इसके लिए उसके पास एक, मैं इसको हमेशा मुझे नहीं समझ में आता, जब आप इतना कमा रहे हो तो आप एक 24 आवर्स की कोई मेट क्यों नहीं रख लेते, ताकि आपकी ये सारी चीज़ें सॉर्ट आउट रहे, आपको पता हो कि आपकी ये सारी चीज़ें सॉर्ट आउट चल रही हैं। तो फिर जब आप इतना कमा रहे हो, तो आप 15-20 हज़ार रुपये किसी मेट को देने में आपका कुछ नहीं। भाई 15-20 हज़ार रुपये ही लेगी ना 24 आवर्स के लिए, इससे ज़्यादा तो नहीं लेगी। और सब रखते हैं, ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन नहीं, उसको अपनी इमेज भी के लिए रखनी है, तो इस वजह से वो ये सब नहीं करती है। लेकिन वही एट द एंड क्या होता है कि उसकी अलमारी जो है वो पूरी गचम गिच भरी होती है। इवन अलमारी छोड़ो, कोई भी कबर्ड का हिस्सा या कोई भी नीचे का हिस्सा जब वो ओपन करती है तो क्या होता है, सबका सब गचम गच भरा होता है। अब इसको एक ही चीज़ याद आती है, जब कबर्ड वगैरह सेट करने होते हैं तो उसको रेनोवेशन याद आता है कि बस रेनोवेशन करवाऊंगी तो सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज हो जाएगी। अभी भी आज के व्लॉग में बस मैं क्या बोल रहा हूँ, सिस्टमेटिक हो जाएंगी और ऑर्गेनाइज हो जाएंगी। भाई घर ऑर्गेनाइज, आपके पास 2 कमरे का घर हो और अगर औरत उसमें ऑर्गेनाइज हो तो वो उस 2 कमरे के घर को भी बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखेगी। और अगर आपके पास 100 कमरों का भी घर हो और आपके पास अनऑर्गेनाइज बीवी हो तो वो 100 कमरों को भी कचरे से भर देगी। तो ये सारा काम एक औरत का होता है, ठीक है। औरत किस तरीके से अपने घर को मैनेज, मैं कभी भी नहीं कहूँगी, देखो हमेशा ना कहते हैं ना, शेर वाला काम करो, आप गधे वाला काम नहीं करो। शेर इन द सेंस कि शेर ना, अब लगे कोई इतना ज़्यादा जान नहीं चलाता, कुछ नहीं करता, सिर्फ अपना वो करता है शिकार विकार, लेकिन उसकी जो शिकार की जो, तो आप कह लो काबिलियत है, या उसके अंदर जो उसकी काबिलियत है उसकी वजह से उसको जंगल का बादशाह कहा जाता है। और गधा सबसे ज़्यादा काम करता है, ठीक है, लेकिन उसको फिर भी एक, जब हमको किसी को गाली देनी होती है ना, या हमको किसी को बेवकूफ़ कहना होता है, तो हम उसको बोलते हैं गधे हो तुम, ठीक है ना, यानी हम गधे को एक बेवकूफ़ से मिलाते हैं। तो उसकी वजह ये कि काम तो उससे ज़्यादा करता है, लेकिन वो अपने दिमाग का यूज़ नहीं करता है। तो बहन तुम ना गधी ना बनो, तुम शेर बनो। तुम्हारे पास अल्लाह ताला ने तुम्हें बहुत दिया है। सिस्टमिक जो है वो तुम्हारे घर में ऑर्गेनाइजेशन से आएगा, रेनोवेशन से नहीं आएगा। तुम जितनी बार भी रेनोवेशन करवा लो, अगर तुम्हारे घर में ऑर्गेनाइज चीज़ें नहीं रहेंगी तो तुम उसको सिस्टम में जितना बना लो, तुम डायरेक्ट सब कुछ ना, सब कुछ जगह पर भी रखने वाले, तुम सब में वो लगा लोगी ना मशीन है, तब भी वो अनऑर्गेनाइज रहेगा, क्योंकि तुम्हें उस मशीनों को भी ना बटन दबाने में पहनो सोचती शुरू हो जाएगी। तो भाई उसका एक ही हल है, तुम अपने घर में 24 घंटे के लिए एक मेड रख लो, जो तुम अफोर्ड कर सकती हो, अच्छे से अफोर्ड कर सकती हो, सही। तो तुम्हारा कोई बुरी बात नहीं है, सब रखते हैं यार, हर सेलिब्रिटी के घर में होता है, हर किसी घर में होता है, क्योंकि सबको पता है कि भले ठीक है उनके काम ब्लॉगिंग है, लेकिन इस टाइम पर ब्लॉगिंग भी है, PR भी है, सारी चीज़ें उनको देखनी होती है ना। तो ठीक है, इनके घर में, ताकि इनके एक्स्ट्रा काम जो है वो पीछे से हो जाते हैं, और किसी को रोज़गार भी मिल जाएगा, सही ना, सीधी बात है, किसी को रोज़गार मिल जाएगा, किसी को घर मिल जाएगा। और तुम्हारे पास 3 BHK है, तुम आराम से रख सकती हो, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ बड़ी मसले वाली बात नहीं है। लेकिन खैर बहरहाल, चलो चलते हैं हम रज़ा के टॉपिक पर। तो ये जो ऑर्गेनाइज वाला सीन हुआ था ना, ये वहाँ से शुरू होता है। अब इसको खुन्नस तो थी, उसको किसी भी तरीके से रज़ा को नीचे तो दिखाना था। आज उसने क्या किया, अब लेकिन ये भूल गई कि रज़ा को नीचे दिखाने के चक्कर में इसने उड़ते तीर अपनी तरफ लिए। अब वो कैसे है मैं बताती हूँ कि रज़ा को इसने ये दिखाया कि रज़ा की अलमारी में से देखो फ्रेंड्स, इतना कचरा निकला है, इतना इसने सब कुछ संभाल के रखा है, इतनी इमोशनल है और इतनी ज़्यादा वो है, बंदा संभालता है, हम भी संभालते हैं, इमोशनली होकर संभालता है चीज़ें, लेकिन इतनी कोई नहीं संभालता। ये देखो इसका ये खाली कागज़ है, ये भाई या तो तुम बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैचमेंट, या तुमने अपनी टीनेजिंग जो है वो एज इन्जॉय नहीं की, सही है।
होता है भाई, लड़कियां ज्यादा इमोशनल होती हैं, उन्हें अपनी हर चीज सेज सेज के, उनकी हर चीज में मेमोरीज होती है, उनको निकालते हुए ना एक वक्त आता है, एक मैच्योरिटी लेवल आता है जब वो चीजों को निकाल देती है कि हाँ ठीक है यार अब इनकी नीड नहीं है, या उनको एक समझ आता है कि नहीं यार अभी इसको मैं निकाल देती हूँ बहुत ज्यादा हो गया। लेकिन जब ये चल रही होती है ना 17, 18, 16 साल की, उसमें लड़की को होता है मैं हर चीज संभाल के रखूँ, ये मेरी यादें हैं, इवन कितना मैं खुद इस टाइम पर रही हूँ कि इवन शादी के बाद भी ले जाते हैं, मैं 17 साल की एज में शादी हूँ, मैं शादी के बाद में अपनी सारी चीजें उठा के ले गई थी, मेरे पेपर्स वेपर्स मेरी डायरी सब कुछ उठा के ले गई थी मैं ससुराल, मैं कहा नहीं लेके जाऊंगी बा, एट दी एंड अब रियलाइज हो रहा है कि नहीं यार इसमें से कुछ चीजें रखने काबिल है, बाकी ये जो पेपर जो मैंने बचकानी चीजें संभाल के रखी ना उसको निकाल बाहर करना है, तो वो आपको एक एज के बाद रियलाइज होता है, ये एज होती है ऐसी है। तो भाई इमोशनली अटैचमेंट होती है चीजों से, और काफी लोग बोलेंगे चीजों से क्या इमोशनली, भाई होता है इमोशनली अटैचमेंट, और लड़कियों को ज्यादा होता है, उनको अपनी स्कूल्स की चीजों से, 6, 7, 8 के पेपर से मेमोरीज बनी हुई होती है ना आपकी, उनको उनके रजिस्टर्स से कुछ ऐसी चीजें होती है, कुछ ऐसे खास रजिस्टर्स होते हैं जिनको उनको निकालने में भी हो रहा होता है कि उस पर दोस्तों वगैरह ने साइन किए, तो वो सब कुछ उसने संभाल के अपने अलमारी, अब उसको दिखाना था नीचे, उसने लोगों को नीचे दिखाने के लिए बताया देखो इसके, क्योंकि लोगों ने बोला था बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, तो उसने बोला ये देखो ऑर्गेनाइज्ड अलमारी में इतना कचरा, भाई तुम सीखो कि उसने इतना कचरा संभाल के रखा हुआ था फिर भी उसकी अलमारी चेक करो कितनी ऑर्गेनाइज थी, और तुम देखो तुम बोलती कि मेरे सारे कपड़े काम के हैं ये है वो, उसके बाद भी तुम्हारी तो अलमारी चेक करो अनऑर्गेनाइज्ड है, तो ये तो उसको शाबाशी देनी चाहिए, मुझे तो मुझे लगता है जो रजा को कमेंट में लिख रहे हैं ना कि यार हमने उसको गलत बोल दिया देखो कितना कचरा, तो तुम उसको जाकर कमेंट में बोलो कि यार ये लड़की कितनी सुघड़ है कि उसने इतना कचरा था इसकी अलमारी में, उसके बावजूद भी उसकी अलमारी की ऑर्गेनाइजेशन चेक करो, भाई सल्यूट देना चाहिए, भाई तुमको इस चीज पर उसको बताना चाहिए, उस चीज पर उसकी अच्छाई को बताना चाहिए। तो ये बहन यहां पर आपका जो चैप्टर रहा ना, जो आपको उसको नीचे गिराने का रहा, वो आपका गलत हो गया, नहीं हो सका ये, कामयाब आपने यहाँ पे नहीं हो सकी। और सबसे बड़ी बात, जिस चीज़ के लिए उसको ट्रोल करवा रही है बार 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 के, इतने फोल्डर्स बना के रखे हैं और अपना बर्थ सर्टिफिकेट उसने संभाल के नहीं रखा है, सबसे बड़ी बात है, तो ये छोटी ये जो चीज़ें होती हैं ना इंपॉर्टेंट चीज़ें, ये घर के बड़े संभालते हैं, बच्चे नहीं संभालते, वो एडल्ट अभी कुछ टाइम पहले हुई है, इसके पास कितने टाइम से ये चीज़ें हैं किसको क्या पता, सही है ना, वो एडल्ट अभी कुछ टाइम पहले हुई है, तो ये चीज़ें एडल्ट होने के बाद भी ना माँ बाप अपने उसमें रखते हैं सिक्योर में कि नहीं यार तुम अभी छोटे हो, माँ बाप के लिए हर बच्चा, लेकिन मसला सारा ये है तो उसकी माँ तो यहाँ पर है नहीं, कौन संभालेगा, वो बंदी जिसको सिर्फ खाने से फुर्सत नहीं है और घूमने से फुर्सत नहीं है, जो और मुझे सबसे बढ़कर गुस्सा आता है कि जो इसको गाइडेंस बनाकर जिसकी ये लोग आए हैं, जिसकी गाइडेंस में ये लोग आए हैं, वो है शुएब और दीपिका, उन्होंने बिल्कुल पल्ला झाड़ लिया, क्योंकि शुएब और दीपिका इनको लेकर आए थे, सबा नहीं लेकर आई है, सबा उनको बहुत जब ये पहले आए थे ना, जब 3-3, 4-4 साल के थे ये लोग, तो तब दीपिका और शुएब इनको यहाँ पे लेकर आए थे कि मैं इनकी देखभाल करूँगा और मैं इनकी पढ़ाई वगैरह करवाऊँगा, पढ़ाई के मोटिव से मेन ये पर यहाँ पर ये आए हैं। लेकिन जैसे ही दीपिका की शादी हुई, और दीपिका की शादी तक गाइडेंस नज़र आती थी, लेकिन जैसे क्योंकि दीपिका शुरू में जाती थी रजा और रेहान के स्कूल, लेकिन जैसे ही ये लोग अपनी ज़िंदगियों में मशगूल हुए, शुएब साहब और दीपिका अपनी ज़िंदगियों में मशगूल है, उन्होंने वैसे ही जिम्मेदारी जो है वो सभा पर डाल दी और सभा जाने लगी, और जब जैसे ही सभा के हाथ में जिम्मेदारी आई है, उसने बच्चों को सिर्फ एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया, रजा इंतहा से ज़्यादा एक्सप्लॉइट हुई इन सब में, मतलब उसको ना एज अ मेड इसने बता दिया, ऐसा मेड उसने अपनी वीडियोस में कितनी बार दिखाया। देखो मैं नहीं बोलती कि लड़कियां अपने घर में काम नहीं करती हैं या अपने घर में जो है उनके शौक नहीं होते हैं, लड़कियों के बहुत से डिफरेंट शौक होते हैं, हर लड़की के पढ़ाई मकसद नहीं होता है, लेकिन जिस घर के अंदर यही सोच हो कि पढ़ाई ज़रूरी नहीं है, आपका एक अच्छा इंसान होना ज़रूरी है, आपको इंग्लिश आना ज़रूरी है, मुझे बताओ उस घर में पढ़ाई को लेकर क्या मोटिवेट किया जा रहा होगा, जिस घर के अंदर सिर्फ ये बात की जाती है बार बार कि पढ़ाई ज़रूरी नहीं है, आप देख लो, ये हम तो अपने मुँह से नहीं बोल रहे हैं ना, इनके व्लॉग्स में ये चीज़ आई हुई कि पढ़ाई ज़रूरी नहीं है, आप जो है वो इंग्लिश, जब आपको सिर्फ इंग्लिश आनी चाहिए और अब आपको जो है ना सिर्फ एक अच्छा इंसान होना चाहिए, पढ़ाई और डिग्री से कुछ नहीं है, जिस घर के अंदर ये सोच को ही बार बार दिखाया जा रहा हो उस घर में बच्चे पढ़ाई के लिए मोटिवेट हो ही नहीं सकते, जिस घर के अंदर पैसा दिखाया जा रहा हो कि देख लो पैसा ही कमाने का मकसद है वो हमें ब्लॉगिंग से मिल रहा है, उस घर के अंदर बच्चे पढ़ाई से मोटिवेशन नहीं ले सकते, उनको लगेगा यार पैसा ही तो कमाना है ना जिंदगी में, पढ़ाई पैसा कमाने के लिए नहीं है, हाँ ठीक है आप जॉब वगैरह करोगे लेकिन पढ़ाई आपके शऊर के लिए, ये चीज़ समझनी चाहिए। और इसमें ना सबसे ज़्यादा जो खराब जिसका हाल हुआ ना वो रजा को हुआ है, वो बच्ची उसको बिस्किट भी निकाल के देती है, और ये आज से नहीं है, जब से उसने व्लॉगिंग स्टार्ट की ना तब से, इवन शुएब ने भी इसको ये डांटा था इस बात पे कि यार ये क्या तरीका है कि तुम्हें रजा सब रजा जो है वो तुम्हें बिस्किट निकाल के दे रही है, तुम्हें ऐसी क्या नवाबी है, आप जाके इनका लोनावला का या डेल्टा का कोई व्लॉग है तो उसमें आप जाके देखना, वहाँ पर जो है शुएब उसको बोलता हुआ नजर आएगा, ट्रेन के अंदर जब चप्पल निकालने की बारी आती है तब रजा झुकती है,
अब बात यहाँ पर ये काफ़ी, मुझे भी लगा था कि शायद मोटापा है, लेकिन ये देखो उसको भी तो मोटापा है ना, वो भी बच्ची कोई स्लिम एंड स्मार्ट तो नहीं है, वो भी अच्छी खासी है। क्यों फिर रेहान को नहीं झुकाया? रेहान भी तो साथ था ना, रेहान क्यों नहीं झुका? रेहान अपने उसमें रहता है, उस लड़की को स्टेशनरी दिला रही है। चलो बच्चे तो लेते ही हैं भाई, बच्चे तो करते ही हैं, सही है, अभी वो बड़ी हुई है, लेकिन उससे पहले वो बच्ची ही थी। स्टेशनरियाँ वो मांग रही हैं तो माँ बाप स्टॉप करते हैं, सही है ना? हमारे बच्चे भी अगर कुछ एक्स्ट्रा मांगते हैं तो हम उनको स्टॉप करते हैं कि नहीं बेटा इतना है, बहुत है आपके पास, आपके पास सब कुछ है। आपने उसको व्लॉग्स में लाने के चक्कर में, वो सिर्फ उसको स्टेशनरियों का शौक था, उसने स्टेशनरियाँ जमा किए जमा किए, और आज आप उसको बोल रहे हो इतनी स्टेशनरी, तो दिला के भी तो देने वाली बहन तू ही है ना, इतना नौटंकी का है फिर तुमने ही। और तुम्हें लोग कमेंट करते भी हैं कि इतनी स्टेशनरी इतनी स्टेशनरी, और बोलने को क्या जाती है, लोग तो जो है ना वो चाहते हैं कि हमारे दरमियान दरार आ जाए, लोग नहीं चाहते हैं। तुम ये दिखाती हो अपने व्लॉग्स में, तुम रिजा को किस तरीके से मतलब ख़त्म कर रही हो, किस तरीके से उसको ट्रीट कर रही हो, वो हमें दिखता है। तुमने महर को किस तरीके से, अच्छा महर के ऊपर याद आया, काफ़ी कमेंट्स कर रहे हैं कि महर क्यों नहीं आई है, इवन कारी मामू तक आए और महर क्यों नहीं आई है। जब उसको महर की ज़रूरत थी तब उसने महर को यूज़ किया, और अब उसने महर को उठा के साइड में कर दिया, क्योंकि इस बार भी जब मौदहा गई थी तब उसका महर के साथ वो कनेक्शन नज़र नहीं आया। तो मे बी शायद महर की स्कूल हो इस वजह से। देखो जहाँ पर मुझे लगता है पॉजिटिव है, मैं पॉजिटिव कह देती है कि हो सकता है कि स्कूल जो नहीं इस वजह से ना आई हो। हाँ ठीक है, वो मौदहा में जाकर इसने जो इग्नोर किया वो गलत है, लेकिन यहाँ पर इसको ब्लेम करना कि उसने महर को नहीं बुलाया, मे बी शायद उसकी स्कूल जो इस वजह से वो ना आई हो, तो जो बात है उस बात को हम करेंगे। हमारा काम क्रिटिकल रिव्यू देना है, किसी को हेट नहीं फैलाने का, ये मैं हमेशा कहती हूँ, सही है। तो ये वाला सीन हो गया। अब देन वापसी रिटर्न पहुँचते रिजा पर, देखो निकल गई ना मैं महर के टॉपिक पे, इधर उधर में निकल जाती है मसला सारी, मेरी ट्रेन ना इधर उधर निकल जाती है, फिर मेरे को मेरी ट्रेन को वापसी मोड़ के लाना पड़ता है कि बहन वापसी उसी टॉपिक पर जाओ जिस टॉपिक पर तुम पंचायत कर रही थी। तो अब रजा के जब एक तरफ मार्क्स कम आते हैं, जब लोग उसको ब्लेम करना शुरू करते हैं, ये जब पढ़ाई की ये जो लाशौरी शुरू हुई है ना, ये उसी दिन से शुरू हुई है कि जब से लोगों ने इसको ट्रोल करना शुरू किया था कि रजा के मार्क्स जो है वो बहुत कम आए, तो इसने ही बता दिया कि ठीक है पढ़ाई ज़रूरी थोड़ी है, उसके अपने ये शौक है। और अब देखना उससे पहले ही मतलब जब मार्क्स वगैरह आए ना उसी उन टाइम पर इसकी बेकिंग के स्किल्स को बहुत दिखाया जा रहा था, जबकि उससे पहले वो बेकिंग करती थी तो इसकी बेकिंग को कभी पत्थर से मिलाया जाता था ना, कभी पता नहीं क्या बोला जाता था, लेकिन जैसे ही मार्क्स उसके कम आए थे इनको तो पहले ही पता चल गया था ना, इन्होंने एक 1.5 महीने बाद डिस्क्लोज किया था इस चीज़ को। तो वहाँ पर देखो उसकी बेकिंग के स्किल्स को बहुत ज़्यादा बताया जा रहा था। इवन जब खुशामदीद ओपन हुआ तो उससे जो है वो चॉकलेट्स बनवाई गई, केक बनवाए गए, जो कि बांटे नहीं गए लेकिन बनवाए ज़रूर गए थे, बटते वो केक नज़र नहीं आते। तो उसकी अचानक बेकिंग स्किल्स को बहुत ज़्यादा निखार के दिखाया गया कि ये इसीलिए इसकी पढ़ाई में तवज्जो नहीं, क्योंकि उसको बेकर बनना है, उसको एक शेफ़ बनना है, उसकी शेफ़ की कैटेगरी को शेफ कोड के लिए इसको बोला गया था। तो ये बहुत ज़्यादा शातिरगिरी से काम करते हैं। अब ये आपको एक नॉर्मल व्लॉग, एक नॉर्मल व्यूअर बन के आप देखोगे आपको नहीं समझ आएगा, लेकिन जब आप एक रिव्यूअर बन के चेक करोगे ना तो आपको समझ आता है कि देखो अगर उस टाइम पर जाके देखो तो क्यों अब शेफ़ की कैटेगरी इसकी ख़त्म हो गई। अब इसमें से शेफ़ जो है, जो उसका उभरता हुआ शेफ़ था, वो अचानक सो गया, वो अचानक मेरे को लगता है नींद की गोलियां खा के सो गया, मतलब कहाँ गया वो शेफ़। अब क्यों उसके अंदर से वो बेकिंग जो उसके अंदर से अचानक शेफ़ बाहर आया था वो नहीं है, क्योंकि उनको उस पॉइंट पर इस चीज़ को छुपाना था कि यार कोई नहीं, इसके इसके अगर मार्क्स कम आए तो उसको पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट नहीं, इसका इंटरेस्ट मेन बेकिंग में, उसका इंटरेस्ट किसी चीज़ में नहीं रहने दिया है तुमने बहन, उसको तुमने सिर्फ अपने मकसद के लिए अपने व्लॉग्स के लिए तुम उसको जब लोगों ने कहा कि इसको जगाती है तो इसने रजा से आके दिलवा दिया। भाई वो कैसे जाग सकती है मुझे बताओ, एक बंदी सुबह 7 बजे उठती है, ठीक है सुबह 7 बजे उठ के वो स्कूल कॉलेज जाती है, कॉलेज तकरीबन 2 बजे तक तो चलता है भाई, 2 नहीं तो 1 बजे तक तो चलता ही है कॉलेज, 1:30 2 बजे जितने बजे भी वो आती है, उसके बाद वो कोचिंग जाती है, ठीक है कोचिंग से वो आती है रात को 10 बजे, उस दरमियान उसकी पढ़ाई भी होती है, उसका सब कुछ चल रहा होता है, उसमें उसको खाने भी बनाने होते हैं, वो बच्ची रात को 3 बजे तक कैसे जाग सकती है मुझे ये बता दो, जिसको सुबह 7 बजे में ऑलरेडी उठना हो, जिसको सुबह 7 बजे में उठ के अपना लंच भी बनाना होता है, अभी इसने 1.5 हफ्ते से बोला लंच बनाना छोड़ दिया, वो लड़की कैसे जाग सकती है, तुम उसको जगाती हो। इवन जब उसने आज जब इसने खुद ही ना अपने आप को एक्सपोज कर दिया था, जब उसको कहा कि तुम जाओ चाबी लेके जाओ, हो सकता है मैं सो भी जाऊं, जब वो उस दिन रिदा सफियान आई थी तो बोलती है नहीं नहीं मैं चाबी लेके नहीं जा रही, तो ऐसा कितनी बार होता होगा वो चाबी लेके नहीं जाती होगी, और वो जिस तरीके से आके घंटियों पे हाथ रख देती है और धड़ाधड़ धड़ाधड़ बजाती रहती है, मतलब इतना ना अब तो ये हरकत है ना 6-8 साल के बच्चे भी नहीं करते, उनको भी समझ में आ गया है कि यार ये गलत हरकत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, उन पर भी हम माएँ चिल्लाती हैं, ये 34 साल की औरत होकर इसको ये समझ में नहीं है कि घंटी पर हाथ रख के नहीं खड़े रहना चाहिए भाई, भाग कर आए, और माँ अकेली होती है, माँ कभी कभार भाग कर आ रही होती है। ऊपर से उस दिन सनी साहब बोलते हैं कि तुम्हारे घर में एक बैल पर दरवाजा खुल जाए ना मैं उस दिन 5 लाख रुपए दूंगा, तुम पहले 5,000 तो कमा ले रहे भाई, तू फिर 5 लाख रुपए दे, 5,000 रुपये कमा नहीं सकता है उधर 5 लाख रुपए, ये बातें कर रहा है 5 लाख तुमने कभी एक साथ देखे भी हैं, ये बताई मैंने।
जी पता है ऐसे ऐसे काम करते हैं ना, फिर देखो ऐसे अंदर से रोस्टिंग बाहर आती है, मेरा बिल्कुल दिल नहीं करता ऐसा रोस्ट करने का, लेकिन अंदर से ऐसे ऐसे काम करते हैं ना, ऐसे ऐसे टॉन्ट मारते हैं अपने घर वालों को, तो फिर मेरा दिल करता है क्यों मार रहे हो बस सालों, क्यों टॉन्ट मार रहे हो, मतलब क्यों कर रहे हो तुम लोग ऐसा, ये बताओ मुझे। मतलब माँ को वो बेचारी बुजुर्ग है, उससे चला नहीं जाता सही, ठीक है वो माशाल्लाह उनकी एज भी है, उनका वेट भी है, वो उधर से अपने रूम से उठ के बाहर आएंगे तो टाइम तो लगेगा ना, ना तो हवाई जहाज लगवा दे ताकि तेरे लिए फ़ौरन छोड़ के उड़ के आ जाए, वो उनको एक पर लगा दे पीछे दो, मतलब अजीब हरकत है भाई। और फिर ऊपर से वो बोल रहा है भाई वो तो घंटी पर हाथ रख के तुम्हारी बीवी खड़ी हो जाती है, उसे 2 मिनट सब्र नहीं है। चलो मैं बोलूँ 15-20 मिनट वेट होता है तो समझ में भी आता है भाई, उड़ के अंदर से उड़ के आने में, अंदर से आने में टाइम लगता है। नहीं बाबा नहीं, है तो बोलती है बस दरवाजे पर खड़े रहो, मेरे आने से पहले 10 मिनट पहले ना बहन तू एक काम किया कर, तू जब सोसाइटी में एंटर होती है ना तो कॉल कर दिया कर मैं आ गई, दरवाजा खोलो, वो दरवाजा खुलेगा जब तक तू ऊपर चढ़ जाएगी तो दरवाजा खुला मिलेगा, खत्म। मैंने प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी है बेटा तुम्हारी, प्रॉब्लम सॉल्व, अब इस पर काम करने का, ठीक है। सोसाइटी में नीचे खड़ोगे ना कॉल करने का सीधा ऊपर कि भाई मैं आ गया है दरवाजा खोलो, बस सिंपल खत्म काम। तो भाई अब बात करेंगे हम थोड़ा सा रेहान के ऊपर। रेहान को काफ़ी लोग कहते हैं कि रेहान इतना ज़्यादा एक्सप्लॉयड नहीं हुआ है, और मुझे भी लगता है, लेकिन अगर फैक्ट्स पर बात की जाए रेहान भी ठीक ठाक है एक्सप्लॉयड, ऐसा नहीं है कि एक्सप्लॉयड नहीं हुआ हुआ रेहान, लेकिन रेहान ना बैक कैमरा, रेहान को जैसे ही एक दो बार ट्रोल करवाती है ना रेहान नहीं आता। आप नोट करना इसकी वीडियोस में, जिस वीडियोस में रेहान ट्रोल होता है ना, एक दो वीडियोस में रेहान ट्रोल होता है, उसके नेक्स्ट डे देखना, नेक्स्ट 2-4 दिन देखना, रेहान इसके व्लॉग्स में से गायब हो जाता है। अब उसको ये अच्छे से पता है कि अगर रेहान और रिजा मेरे व्लॉग से गायब हो गए तो मेरा व्लॉग नहीं बनेगा, और ये हमेशा ठीक है, कोई बुरी बात नहीं, देखा अगर वो आ रहे हैं तो वो अपनी मर्जी से आ रहे हैं, ठीक है वो अपनी मर्जी से आ रहे हैं, अगर वो ज़बरदस्ती कर रही है तो गलत है, लेकिन वो आज अपनी मर्जी से रहे हैं और वो शुरू से आ रहे हैं अपनी मर्जी से। तो ये रेहान की जो इमेज अब तक क्लियर है ना इतनी ज़्यादा, अभी रेहान का भी आने वाला है रिजल्ट, अभी पेपर वो देगा, रिजल्ट उसके भी आएंगे, पढ़ाई की पोलें उसके भी खुलने वाली हैं, और काफ़ी सारी ना मैंने बहुत सारे कमेंट्स पर ऐसे रीड किए थे जब रेहान का, जब ये रिजा वाला चैप्टर चल रहा था ना, कि रेहान बहुत बदतमीज़ है, रेहान बहुत ज़्यादा शोशाबाजी करता है, कि मेरे घर वाले तो ऐसे वो महंगी महंगी चीज़ें लेके जाता है और लोगों को दिखाता है, तो ये रेहान की भी अपडेट्स आती हैं। और रेहान को अगर देखा जाए तो वो थोड़ा है शोशाबाजी वाला, उसका थोड़ा सा नेचर है इस टाइप का, वो शुएब 2.0 है ये मैं बता दूँ का भाई। शुएब बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ जिसको लगता है, पहले मुझे भी लगता था एज अ फैन, मुझे बहुत ज़्यादा लगता था, मैं बहुत पसंद करती थी सीरियसली, मैं पता है इनको इसीलिए पसंद करती थी कि यार ये सेलिब्रिटी हैं ये कितने डाउन टू अर्थ बन के रहते हैं, लाइक सीरियसली इन्होंने ऐसी इमेज बनाई थी, मुझे बहुत पसंद थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, एक इनका जो मखौटा था ना वो उतरता गया, मैंने कहा यार ये तो वो नहीं है जो ये दिखते हैं, वो वैसे नहीं है, और ये रिव्यूअर बनी हूँ नहीं, तब मैं जब मैं रिव्यूअर नहीं बनी थी ना, जब मैं उनके लिए एज अ फैन भी काम कर रही थी, तब भी मुझे चीज़ें रियलाइज़ होना शुरू हो गई कि यार ये तो चापलूसी चल रही है, मतलब मुझे सीरियसली दिख रहा है कि ये गलत कर रहे हैं बट मैं चापलूसी दिखा रही हूँ, तो ये वाला सीन है भाई। इनका ना एक मुखौटा उतरता गया, इसी तरीके से रेहान ने भी एक मुखौटा पहना हुआ है, और वो मुखौटा पीछे वो है इस तरीके का, उसका थोड़ा सा नेचर इस तरीके का दिखावे वाला, और आप कह लो कि महंगी चीज़ों वाला, उसको महंगी चीज़ें अट्रैक्शन करती है, उसको जूते वगैरह चाहिए, उसको महंगी चीज़ें चाहिए, उसको अट्रैक्ट करती हैं, और वो उनको प्रोवाइड मिल भी रही हैं। शुरू शुरू में जब देखा था तो उसने एक टैब दिलाने के लिए भी इतनी ज़्यादा ड्रामेबाजी की थी ना, जब शुरू में जब इन्होंने ड्रामा किया था कि टैब दिलाने के लिए भी इतना ज़्यादा वो किया था कि नहीं हम तो नहीं देते टैब वैब, अब तो मोबाइल भी है, चलो मोबाइल भी आजकल ज़रूरत की चीज़ है, लेकिन इतने महंगे महंगे जूते, इवन मैं इतने सारे पॉडकास्टर्स देखती हूँ, पॉडकास्टर नहीं मैं इतने सारे सेलिब्रिटी देखती हूँ जो ये कहते हुए, भाई मैं बोलती हूँ भारती जितनी भी प्रॉब्लमेटिक हो, भारती की बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन उस दिन मैं उसकी एक पॉडकास्ट सुन रही थी जहाँ पर उसने कहा कि मैंने तो गोले को बोला हुआ है भाई तुम जब बड़े हो गए तो तुम अपनी जेब खर्ची के लिए तुम अपनी मेहनत खुद करोगे, ये नहीं कि तुम भारती के बच्चे हो तुम्हें जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है वो मैं प्रोटोकॉल दूंगी, तो ये सोच होनी चाहिए भाई, ज़रूरी नहीं। हाँ ठीक है आप अपने बच्चों के लिए मेहनत कर रहे हो, आप उसको लग्जरीज दो, उनको ज़िंदगी उनकी आसान बनाओ, लेकिन उनको आसान बनाने और हड़राम बनाने में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, उस फ़र्क को अगर समझोगे तो ठीक है, वरना फिर ऐसा ही कुछ निकलता है। एक तो सबसे मेन पार्ट था ना, मुझे हंसी पता है तब भाई जब ये बोलती है रजा की अलमारी के पास बैठ के कि अब रजा की अलमारी हमने सेट की है, अब रजा की अलमारी को हम सेट करेंगे, मैंने इतनी हंसी आई, मैंने कहा जिस बंदी का एक स्टॉलर कहाँ रखा हुआ था वो रजा को पता है, उस दिन याद है उसने स्टॉलर का बोलती है तो रजा कहती है कि तुम नहीं थी ना इसलिए मुझे मिला नहीं, तो जिसके स्टॉलर हो गए, जिसके ग्लासेस हो गए, जिसके कहाँ क्या कपड़े रखे हैं, इसके घर में क्या सेटिंग हुई हुई है, वो रजा तक को पता होता है, रजा उसको ऑर्गेनाइज करके चीज़ें देती है, और जब भी इसके घर में कुछ ऑर्गेनाइजेशन वाला सीन होता है आप देखना रजा वहाँ पर मौजूद होगी, अभी नया जो डेल्टा वाला घर भी था वहाँ पर रिजा पहले से पहुंची हुई थी, यानी रिजा उसको हर सेटिंग करवा के दे रही है, और ये बैठकर उसको डिग्रेड करने के लिए यहाँ पर बोल रही है कि अब हम तुम्हारी चीज़ें सेट करेंगे, वो भाई उसकी चीज़ें है ऑर्गेनाइज्ड है, एक उसका क्या बर्थ सर्टिफिकेट उससे खो गया है, उस चीज़ को उसने हल्ला मचवा दिया है। अब ये तो अच्छी बात है कि ऑडियंस समझ गई, अगर पहले की ऑडियंस होती ना जो पहले रिजा को नहीं जानती थी,
नहीं पता था, तो पहले ना ऑडियंस रिजा को ट्रोल करना शुरू कर देती है। आप देखना ट्रोल रिजा बहुत हुई है, बहुत ज़्यादा हुई। अब रिजा, अब ऑडियंस है ना वो समझ गई है कि ये ट्रोल करवाती है। जैसे ही सारा वगैरह आ जाती है या रिजा की कुछ अच्छाई लोगों को नज़र आनी शुरू हो जाती है, ये ट्रोल करवाना शुरू कर देती है रिजा को। ये कुछ ना कुछ ऐसे क्लिप्स डाल देगी रिजा के, जिससे पता चल जाएगा कि रिजा बहुत ज़्यादा एरोगेंट है और रिजा के अंदर बहुत ज़्यादा अजीब किस्म का रिजा का बिहेवियर है और वो रिजा पे खराबी है। तो ये दिखाना ही शुरू कर देती है। लेकिन अब ऑडियंस समझ गई है कि ये बेकार का रिजा को ना सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लॉइट कर रही है, बस और कुछ नहीं कर रही। अब इसकी ऑडियंस समझ चुकी है, ये एक अच्छी चीज़ है। जैसे ये लिखा ना, जैसे ये हुआ ना, तो वहाँ पर अगर देखो ना तो कमेंट्स है कि ये तो हमें पता था, पहले ही होना था, ये तो होना ही था, क्योंकि दीपिका उसकी रिजा की अलमारी जो है वो आपसे ज़्यादा ऑर्गेनाइज निकल आई थी और लोगों ने तारीफ कर दी थी, तो उसको तो आपने नीचे गिराना ही था अलमारी को लेकर। सबसे बढ़कर तो यही बात है, मैं तो ये बोलूँगी कि भाई ये सारी चीज़ें एक बड़ी चीज़ है, बड़े लोग रखते हैं बर्थ सर्टिफिकेट, बे फॉर्म हो गया, आपकी मार्कशीट्स हो गई, आपके एडमिट कार्ड्स हो गए। लड़की की जिम्मेदार ज़रूर बना चाहिए, लेकिन ये एक ऐसी जिम्मेदारी होती है जब माँ बाप बोलते हैं नहीं भाई ये खो गया तो हमें मुश्किल हो जाएगी, और देखो वही मुश्किल हुई है, क्या वो चीज़ें ना बहुत ज़्यादा मेस्टअप हो गई हैं। अच्छा एक कमेंट मैंने रीड किया, वहाँ पर ये लिखा हुआ था लाइक करो जिस जिसको लगता है कि रिजा का बर्थ सर्टिफिकेट सबा ने गायब किया ताकि उसका पासपोर्ट ना बने। मैंने इतनी हंसी है, मैंने कहा यार कैसे कैसे लोग हैं यार, चेक करो ज़रा, मतलब सीरियसली यार इतना ज़्यादा नहीं ऑब्जर्वेशन किसी को रखनी चाहिए, इतना ज़्यादा किसी के बारे में सच नहीं बोलना चाहिए, बुरी बात होती है। और कितने सारे लोगों ने जो है वो लाइक भी किया हुआ था इस कमेंट को, लेकिन खैर मुझे पता है इतना तो खैर सभा इतना ज़्यादा गिर नहीं सकती कि वो उसके सर्टिफिकेट वगैरह गायब कर दे। और काफ़ी लोग कह रहे हैं कि कश्मीर का ट्रिप हो सकता है, नहीं यार इतना ज़्यादा खर्चा नहीं करेगी ये, इतना ज़्यादा खर्चा करने वाली मूड में ये है नहीं। अच्छा एक कमेंट मैंने देखा था कि अच्छा कश्मीर पर पहले हम बात कर लेते, फिर हम उस कमेंट पर बात करते हैं। कश्मीर पे इसलिए खर्चा नहीं करेगी, कोई कह रहे हैं कि उसको वापसी होटल वालों की तरफ से जो है वो आई होगी स्पॉन्सरशिप, और स्पॉन्सरशिप में जो है ये जा रही होगी। तो नहीं यार, स्पॉन्सरशिप अगर आती भी है ना तो 2-3 बंदों के लिए आती है या 4 बंदों के लिए, ऐसा पूरे के पूरे कबीले के लिए नहीं आती है स्पॉन्सरशिप, वो फिर खर्चा खुद करना पड़ता है, इतना खर्चा वो करेगी नहीं। हाँ ठीक है, दुबई का ट्रिप इसका एक पोस्टपोन हुआ हुआ है जिसमें रिजा रेहान को उसने बोला है, वो ट्रिप देखने को मिल सकता है। और बहुत सारे कमेंट्स उसमें देखने को मिले हैं कि ये बेवजह का रेनोवेशन, यार ये रेनोवेशन तो मुझे भी लिटरली समझ में नहीं आया, मतलब इतना ज़्यादा बेवजह का रेनोवेशन क्यों उसने स्टार्ट कर दिया। अब काफ़ी लोग बोलते हैं ये टैक्स बचाने का एक तरीका होता है, क्योंकि अब हमारी तो यूट्यूब की इनकम 100 से $150 है, हमारे को 50-60 लाख रुपए तो आते नहीं कि हमें पता हो कि टैक्स बचाने वाला ये क्या सीन है। तो बोलते हैं टैक्स बचाने का सीन है, इसीलिए गाड़ी खरीद लेते हैं, इसीलिए रेनोवेशन बार बार। ये देखना ये जितने भी, मैंने फिर नोट किया कि ये जितने भी व्लॉगर्स होते हैं ना ये हर 6 महीने बाद रेनोवेशन शुरू कर देते हैं बेवजह की रेनोवेशन, पूरा घर तोड़वा के बढ़ेंगे। अरे भाई अभी तो 6 महीने में घर तोड़वाएंगे, फिर 6 महीने तक वो घर बनेगा, फिर उसमें 4 महीने रहेंगे, 4 महीने बाद फिर उस घर में कीड़े निकल जाएंगे, फिर उसको पूरे का पूरे घर को तोड़ डालेंगे। तो ये मैंने हर व्लॉगर के घर में देखा है, इनकी रेनोवेशन चलती रहती है, इनकी गाड़ियाँ बदलती रहती हैं। तो कहा गया ये टैक्स बचाने का एक तरीका होता है, मुझे नहीं पता कि क्या है, क्या सच है क्या नहीं है। हर बहरहाल अच्छा मैं क्या इस कमेंट की बात कर रही थी, देखो मैं कमेंट भूल गई, अल्लाह माफ़ करे, एक तो मेरा दिमाग है ना, मैंने बादाम खानी चाहिए। फिर जब मैं बादाम खाने बैठती हूँ ना तो मुझे याद आता है कि किसी महापुरुष ने कहा है कि अकल जो है वो बादाम खाने से नहीं धोखा खाने से आती है, इसीलिए फिर मैं बादाम खाने को स्किप कर देती हूँ। हाँ कमेंट याद आ गया मुझे, मैं पढ़ के आई, दोबारा ढूंढ के मैं पढ़ के आई हूँ। तो कमेंट ये था कि इसके काम में इतनी बरकत इसलिए है, इसको पैसों में इतनी, सॉरी यार मैं थोड़ा अटक पटक जाती है, मेरा अल्फाज ना अंदर ही रह जाते हैं। तो बोला इसका काम में बरकत इसीलिए है और ये जो काम करती है उसमें इसको इतनी ज़्यादा क्या कहते हैं यार तरक्की, हाँ तरक्की इसीलिए मिली है क्योंकि ये अपने खानदान वालों पर खर्च करती है। अरे बाबा कोई इनको समझाओ, इनको उसके पुराने वाले व्लॉग जाके दिखाओ जहाँ पर ये कंजूस मशहूर थी, उस वक्त जब उसने नया नया इसके पास पैसा आया था ना तब वो बहुत कंजूस थी, जब उसको अपने असिस्ट बनाने थे, उसको पता था कि अभी तो मैंने पैसा, अभी तो मुझे बनाना है, मुझे अभी शादी करनी है, मुझे उसके लिए अपनी घर बनाना है मुंबई में, तब वो बहुत ज़्यादा कंजूस थी और वो बिल्कुल भी खर्च नहीं करती थी, किसी पे भी खर्च नहीं करती थी, कोई एक गिफ्ट नहीं कुछ नहीं, सबको फूल पत्तियाँ देके जो है ना वो पटा देती थी, तो कोई इसकी नहीं थी ऐसा। ये अभी 1-1.5 साल से जब उसके पास पैसा बहुत ज़्यादा और एक्स्ट्रा होना शुरू हुआ ना तो तब इसने ये खर्चा करना शुरू किया कि हाँ ठीक है। फिर इसको अंदाज़ा हुआ, दरअसल हुआ क्या, इसने एक बार ना एक्सपेरिमेंट किया, हाँ कि मैं 10,000 की शॉपिंग करवाती हूँ तो चेक करती हूँ मुझे व्लॉग्स कितने आते हैं, उसको रिव्यूज़ उसको उस टाइम पर ना बहुत अच्छे, अगर आप देखो ना पुराने वाले व्लॉग में जब इसने शुरू किया था लोगों को शॉपिंग करवाना तो वहाँ पर कमेंट्स अगर आप चेक करो तो वहाँ पर है कि यार आपने बहुत अच्छा किया रिजा रेहान को शॉपिंग कराई, ये किया वो किया, तो उसको बहुत ज़्यादा प्रेस करना शुरू किया और उसके व्यूज़ जो है बहुत अच्छे आने शुरू हुए। तो उसको लगा यार ये तो निंजा टेक्निक है, 10,000 की शॉपिंग कराओ, व्लॉग भी निकलेगा, शॉपिंग भी होगी और मेरे को 1.5 लाख रुपए मिल भी जाएगा, ठीक है ना। 1.5 लाख रुपए तो मैं कम ही बोल रही हूँ, ज़्यादा ही है, 1.5 लाख रुपये नहीं होता, ऐसा ज़्यादा ही मिलता है क्योंकि मिलियंस में व्यूज़ है उसके पास।
तो इसने फिर ये निंजा टेक्निक लगाई, फिर इसको ये समझ में आया ओए होए ये तो मेरा व्लॉग भी बनता है। पहले तो मैं इतनी ज़्यादा बचपानी हरकतें करती थी, बचपानी बचकानी हरकतें करती थी, कभी कुछ चैलेंज करवाती थी कभी कुछ, ये इतने मैंने मज़े से घूम भी लिया, 2 घंटे की ड्राइव भी मार ली, 4 घंटे की ड्राइव भी मार ली, मेरा व्लॉग भी बन गया और मेरे को वाहवाही भी मिल गई, तो मैनू जो है वो मेरा व्लॉग भी लग गया। समझ आया, आया कि नहीं आया, ये टेक्निक है। तो बहरहाल ये बरकत इसकी पहले से आ गई थी, ये बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बरकत हो गई है ना, तो इसलिए ये अब खर्च कर रही है। सीरियसली अंदर से रोस्टिंग बाहर आती है, कसम से मैं बिल्कुल नहीं चाहती इतना रोस्ट करना, बट क्या करें यार, अंदर से आती है ऐसी रोस्टिंग बाहर। बहरहाल वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बनता है, और ये मेन था मुझे रजा के टॉपिक को कवर करना था कि रजा को भाई जितना हो कमेंट करो यार उसकी वीडियोस में जाके कि भाई उसकी पढ़ाई पे ध्यान दिलवाओ, उसको जल्दी सुनने की वो दिलवाओ, आदत दिलवाओ, और उसको जितना भी हो उसकी सेहत पे सबसे ज़्यादा ध्यान दो, सबसे ज़्यादा उसको जो हेल्थ इश्यूज होने शुरू हुए हैं ना वो बहुत ज़्यादा, भाई इस एज में इतने ज़्यादा हेल्थ इश्यूज वाकई बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना या आपको डायबिटिक्स हो जाना। डायबिटिक्स एक बहुत जानलेवा तो बीमारी नहीं है लेकिन बहुत खतरनाक बीमारी, और भाई वो कहते हैं ना कि वो इतनी आसानी से छोड़ती नहीं है, इवन डायबिटिक्स की भी न्यूज़ आई थी, और उस वो खुद PCOD से झेल रही है, तो उसको पता होना चाहिए कि इतना ज़्यादा वेट गेन जो होता है वो PCOD ही की तरफ लेके जाता है। और खैर इतनी बड़ी वो हो चुकी है, रजा अडल्ट हो चुकी है, अब उसको अपनी रूटीन पर अपनी चीज़ों पर खुद ध्यान देना चाहिए कि पहले सुबह में कोचिंग जाए, जिम ज्वाइन कर ले, अब तो जिम भी ज्वाइन कर सकती है, ठीक है टाइमिंग्स बनाने पड़ेंगे, वो उस टाइम पर होगा, अगर वो दोपहर में सो रही है तो दोपहर में सोना स्किप करे और अपने जिम की रूटीन बनाए, और जिम की रूटीन के बाद कोचिंग वगैरह जाए, और बस घर में जो नॉर्मली काम होते हैं। अब मुझे ना ज़्यादा उस पर मुझे ना एक चीज़ बहुत अजीब लगी, नाज़ा खाला जब हंस रही थी ना इसकी तो मुझे बड़ी अजीब चीज़ लगी, और जब उसने बोला कि इसने चीज़ खो दी और वो सब बैठ के उसका मजाक एक तरीके से उड़ा रहे थे, तो मैंने कहा यार देखो आज सारा का मजाक कोई नहीं उड़ाता है, सारा देख अपने टिप टॉप में रहती है, क्योंकि उसको कवर करने के लिए उसकी माँ बैठी हुई है, उसकी माँ जो ना उसके आगे आके खड़ी हो जाती है, तो कोई इसकी बातें नहीं निकालता, कोई सारा की कोई चीज़ निकल के बाहर नहीं आती, सारा देख लो गंदी नहीं होती है इतनी, क्योंकि उसकी माँ है, उसकी माँ उसको अपने परों में रखती है, उसको ले जाती है, क्यों मुंबई नहीं छोड़ती, जबकि इसने इस ब्लॉग में बताया भी कि इसको एयर हॉस्टेस बनना है, क्यों उसको मुंबई नहीं छोड़ती है, फिर उसका एक ड्रीम है कि उसको एयर हॉस्टेस बनना है, तो क्यों वो उसको इधर मुंबई में नहीं छोड़ती, क्योंकि उसको अच्छे से पता है उसकी माँ को, हालांकि लालची वगैरह आप जो कह लो उनको, लेकिन उनको अच्छे से पता है अगर मैं अपनी बच्ची को यहाँ छोड़ूंगी तो ये इसको एक्सप्लॉइट कर देंगे, ये इसको घर के कामों में लगा देंगे, अब वो बच्ची वहाँ पर अपनी मर्जी की ज़िंदगी गुजारती है, ठीक है ना, वो पढ़ाई में लगी रहती है, उसके पढ़ाई इंटरेस्ट है, उसका उधर अपना एक अलग कमरा है तो वो पढ़ाई करती है, भोपाल भी कोई बहुत बड़ा शहर तो नहीं है ना, नॉर्मली शहर है, ठीक है इतना बड़ा तो कुछ और, मुंबई जितना बड़ा तो नहीं है ना, शहर जरूर है लेकिन मुंबई जितना बड़ा तो नहीं है ना, तो वहाँ पर लेकिन छोटे कॉलेज में पढ़ा रही है, छोटे स्कूल में पढ़ाया, बट लेकिन कहा कि नहीं मेरी बेटी मेरी नज़रों के सामने रहेगी, और मैं अपनी बेटी को अपने नज़रों के सामने, अगर वो यहाँ पर होती तो आज वो रजा से ज़्यादा एक्सप्लॉइट हो चुकी होती, मैं आपको सीरियसली बता रही हूँ, क्योंकि भाई एक जो माँ बाप तरबियत कर सकते हैं ना वो कोई और तरबियत नहीं कर सकता आपकी, यहाँ पर अब माँ बाप को इस एज पर, लेकिन उनको लग गया कि यार इनके बेटे बड़े बच्चे बड़े अय्याशी वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो बड़े खुश हैं यहाँ पर, भाई अय्याशी वाली ज़िंदगी वो कुछ टाइम तक गुजारेंगे, देन उसके बाद क्या करियर है इनका, यूट्यूब करियर है भाई, यूट्यूब करियर नहीं है, मैं आपको एक बात बता दूँ, यूट्यूब करियर उस टाइम पर बनाओ जब आपको भाई इसका भरोसा नहीं है, कल को बैंड लग गया तो पता थोड़ी है, पाकिस्तान में आपको कुछ साल पहले आपको याद होगा पाकिस्तान में यूट्यूब बैंड हो गया था, क्योंकि वो कुछ उस्ताद के रसूल वाला सीन हुआ था तो यूट्यूब बैन हो गया था कुछ टाइम के लिए, तो इसको बैन होने में या यूट्यूब पेमेंट देने का मना कर दे तो कोई क्या कर लेगा, यूट्यूब अगर हटा दे कि ठीक है अब से यूट्यूब पर कोई पेमेंट नहीं है तो फिर ये यूट्यूब करियर नहीं है भाई, यूट्यूब को करियर की तरह जो ले रहा है वो मैं बोलता हूँ बेवकूफ़ है, यूट्यूब करियर नहीं है। हाँ ठीक है कि आपको बहुत ज़्यादा मिल गई एक टाइम पर तरक्की और आपने अपने एसेट्स वगैरह बनाने शुरू कर दिए, अपनी प्रॉपर्टीज़ और अपनी चीज़ों में पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, तो फिर समझ में आता है कि हाँ ठीक है जो आप जॉब वगैरह कर रहे हो वो छोड़कर स्किप करके यूट्यूब पर ध्यान दो, साइड में आपका पैसा तो जमा हो ही रहा है कि अगर कल को बंद भी होता है यूट्यूब तो आपके पास होगा गुजारने को, लेकिन इन बच्चों के पास कुछ नहीं है, इनका तो भी करियर स्टार्ट होने से पहले ही वो दाव पर लगा चुकी है, मसला सारा ये नहीं है कि कोई जेलसी वगैरह सीन है, वाकई बच्चों के लिए यार एक चीज़ लगता है कि एक बच्चे अगर माँ बाप के पास पलते हैं वो एक डिफरेंट वे में पलते हैं, हमारे सामने मिसाल इनके घर में ही मौजूद है, एक सारा है और एक रजा है, एक देख लो एक सारा कितनी ज़्यादा, हालांकि वो अनऑर्गेनाइज हो उसके किसी को भी नहीं पता कि वो कैसी है, वो अनऑर्गेनाइज है, वो गंदगी वाली है या वो बदतमीज़ है, किसी को भी अंदाज़ा नहीं है, एक तरफ रजा है जिसकी हर चीज़ लोगों को पता है, पर बहुत फ़र्क होता है एक बच्चा जो है अपने माँ बाप के परों में बड़ा हो और एक बच्चा जो है वो बिन माँ बाप के बड़ा हो रहा हो, ये बिन माँ बाप के ही बच्चे बड़े हो रहे हैं, चाहे सबा जितना भी ज़्यादा कर रहे हैं लेकिन माँ बाप नहीं बन सकती वो, और वो नहीं बनती है, वो उनको यूज़ करती है, और ये ब्लॉग्स में दिखता है कि वो बच्चे यूज़ हो रहे हैं,
वो बच्चे, खास करके रिजा बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है, तो उसके लिए जितना हो अब कुछ कर तो नहीं सकते। मुझे इवन एक पोर्ट मेरी एक सब्सक्राइबर, उन्होंने कहा कि आप आवाज़ आप लोग कुछ कर नहीं सकते हो, सारे रोस्टर्स और पॉडकास्टर्स मिलके। हमने कहा हम कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ बात कर सकते हैं उस टॉपिक पे कि वो बच्ची को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, उस बच्ची का करियर दाव पे लगाया जा रहा है, उस बच्ची की पूरी हेल्थ दाव पे लगाई गई है, तो हम सिर्फ बात कर सकते हैं, बाकी हम कुछ नहीं कर सकते। इस पे भी मुझे पता है कितने सारे कमेंट्स आने शुरू जाएंगे, तुम जालस हो, तुम जलती हो, ये है। जलने वाला सीन नहीं है भाई, नहीं जलते हम, सीरियसली नहीं जलते। ये जो पॉडकास्टिंग, जिसने भी रिव्यू वाला चैनल स्टार्ट किया है, उन्होंने कोई जलन में स्टार्ट नहीं किया, कोई हेट में स्टार्ट नहीं किया, वो चीज़ें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक दिख रही हैं तो उस पर बात हो रही है, और हर उस टॉपिक पर बात होती है जो प्रॉब्लमेटिक दिख रहा है, तो हर चीज़ पे बात होती है, तो ये चीज़ें प्रॉब्लमेटिक दिख रही है। ये बच्ची ख़राब होती हुई नज़र आ रही है कि यार उस बच्ची के साथ क्या किया जा रहा है, और ये बच्ची बहुत समझदार है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि पढ़ाई में अच्छी नहीं है या ये वो, ये बहुत अच्छी है, और उसको अपने पढ़ाई को लेकर बहुत ज़्यादा वो सीरियस है भी। अगर आप देखो उस व्लॉग में, अब व्लॉग्स में देखो तो अक्सर बुक्स लेके बैठी होती है। काफ़ी सारे लोगों ने कहा ये क्या चार बुक्स, ये क्या चार वाली पेपर्स वाली बुक्स लेके बैठी होती है। भाई जब आप एक पढ़ाए कॉलेज में चले जाओ तो आप पूरी की पूरी थपिया नहीं देते, आप नोट्स से ही पढ़ रहे होते ज़्यादातर, तो वो नोट्स वगैरह लेके बैठी होती है। अगर आप ध्यान दो तो वो नोट्स होते हैं, वो नोट्स वगैरह लेके बैठी होती है, वो पढ़ रही होती है, तो यानी अपनी पढ़ाई पर वो फोकस करना चाह रही है, लेकिन जैसे कैमरा ऑन होता है या ये सबके सब इतना बन जो बताओ टब्बर के टब्बर आते हैं, क्या पढ़ाई होगी, दो कमरों के रूम में क्या पढ़ाई कैसे होगी, ना उसके पास कोई अलग स्पेस है, कुछ नहीं, वो पढ़ेगी कैसे। फिर एक माँ बाप अपने बच्चों के लिए सोचते हैं यार अलग रूम बना के देंगे, वो पढ़ाई करेगी। जैसे सारा है, सारा का अलग रूम है, हम सबने देखा है ना, जो उसका भोपाल वाले घर का टूर था उसमें सारा का अलग रूम है जहाँ पर वो बैठ के पढ़ाई करती है, उसकी अपनी अलग रूटीन है, अपनी अलग लाइफ है, लेकिन यहाँ पर रजा के लिए वो सब कुछ नहीं है। और सारा को कोई भी देख लो, कोई भी कमेंट आपको बुरा नहीं मिलेगा, क्योंकि सारा का कुछ है ही नहीं, सारा को रहने ही नहीं दिया इसकी अम्मी ने इधर, क्योंकि पता है कि भाई ये जिस तरीके से रजा को बेड़ा गर्क किया है ना इसने, ये सारा का भी कर देगी, मेरी बच्ची जो पढ़ने वाली है ना, ये इसके चप्पल पहनाने में और उसको बिस्किट खिलाने में ही निकल जाएगी। खैर बहरहाल ये हमारे पॉइंट ऑफ व्यू, आपका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो सकता है, कमेंट में लाजमी शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग वॉचिंग, टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़।